दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। ये देश का सबसे पुराना ब्रोकिंग कंपनी है। अभी दोस्तों एंजल ब्रोकिंग में ऑफर चल रहा है कि आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे एवं मेंटेनेंस चार्जेस क्या होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि इसमें ऑनलाइन अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपको टोटल 5 लगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका सिग्नेचर का फोटो होना चाहिए या फिर स्कैन कॉपी होना चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए और आपके आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों का पिक्चर होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। तीसरा डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड की एक फ़ोटो। और फोर्थ डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट एंड लास्ट डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो आपके पास बैंक डिटेल आपका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें अकाउंट ओपनिंग एवं मेंटेनेंस चार्जेस की। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस दोस्तों इसमें 0 है, यानी कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अभी फ्री में अकाउंट ओपनिंग हो रहा है। उसके बाद दोस्तों AMC चार्जेस की बात कर लें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। तो यहाँ पर 450 रुपये AMC 450 प्लस GST 18%, टोटल आपको 531 रुपये एनुअल चार्ज लगेगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है एंजल ब्रोकिंग, या फिर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक लॉगिन करने का, एक साइन अप करने का। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP सेंड करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद इसको यहाँ से आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां से आपको इंट्रोड्यूसर कोड डालना है। इंट्रोड्यूसर कोड दोस्तों ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने दूसरी डिटेल आ जाएगी। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, पैन कार्ड नंबर, और यहां से आप अपना बैंक डिटेल चूज कर लेंगे। बैंक डिटेल चूज करने के बाद दोस्तों आपका आप सामने प्रोसीड आ जाएगा, आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर ऑफलाइन आधार बोला जाएगा और मैनुअल एंट्री। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको मैनुअल एंट्री पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। जैसे यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे और यहाँ पर अपना पिन कोड, स्टेट, सिटी सब यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। यहां पर पर्सनल डिटेल फिल करने को बोला जा रहा है। जैसे यहां पर अपनी सेलेक्ट इनकम चूज कर लेंगे कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। उसके बाद यहां से आपको चूज कर लेना है कि आप क्या करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन चूज करने के बाद दोस्तों यहां से आपका जेंडर आ जाएगा, जेंडर चूज कर लेंगे। मटेरियल स्टेटस आ जाएगा, मटेरियल स्टेटस आप चूज कर लेंगे, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपने फादर्स का फर्स्ट नेम और यहाँ से फादर का लास्ट नेम आप चूज करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे यहां पर योर फोटो है, यहां पर पैन कार्ड है, यहां पर बैंक की स्टेटमेंट है और यहां पर एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप यहां पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों चीज़ अपलोड कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए दोस्तों यहां पर अपलोड का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप अपने गैलरी पर चले जाएंगे या फिर आपके सामने कैमरा आ जाएगा। तो कैमरा पर क्लिक करके आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरी में जाके आप जहां भी गैलरी में अपनी वो फोटो रखे रहेंगे उसे आप सेलेक्ट कर लें। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसी तरह आपको पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, बैंक का स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है और एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा व्हाट इज ई साइन, यहाँ पर ई साइन करने को बोला जा रहा है। उसके बाद आपको यहां पर अगेन आपको प्रोसीड कर देना है। ये आपको NSDL की वेबसाइट पर लेते जाएगा। जैसे ही आप NSDL की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए रहेंगे, इनको आप रीड कर लेंगे। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहां आई हैव टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है।
प्रोसीड करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होने लगेगी और थोड़ा आपको वेट करना है, बैक बटन या फिर रिफ्रेश नहीं करना है। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपने फेस की रिकॉर्डिंग चालू करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको 15 सेकंड या 10 सेकंड का आपको रिकॉर्डिंग करना है और यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आपको रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रोसीड बटन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे, यहाँ पर आपकी फाइल अपलोड होने लगेगी। उसके बाद थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको यहाँ पर आपको कुरियर करना पड़ेगा या फिर आप शेड्यूल पिकअप करेंगे। अगर आप बेस्ट सिटीज़ में रह रहे हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर, पुणे, इस तरह की सिटी में हैं तो आपको यहाँ पर शेड्यूल पिकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ कुरियर भी कर सकते हैं। जो कुरियर करेंगे उसमें आपको 100 रुपये का कैशबैक आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो सेल्फ कुरियर करेंगे या फिर शेड्यूल पिकअप, तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंग्रेचुलेशन बोला जा रहा है, आपका नाम लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है लॉग इन डिटेल। यहाँ पर आपको लॉग इन करने के लिए आपको ये ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पर सेंड कर दिया गया है। जो फॉर्म आपने फिल किया उसको आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों चलिए ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं, ईमेल आईडी पर चेक कर लेते हैं क्या कोई फॉर्म आया है या फिर नहीं आया है। उसके बाद दोस्तों आपको गो टू वॉच लिस्ट कर देना है। गो टू वॉच लिस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, निफ्टी, सेंसेक्स, यहाँ पर बैंक निफ्टी, अदर जितनी भी यहाँ पर NSE, BSE, यहाँ पर जो चीज़ें हैं सब आपको यहाँ पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर जो आप ट्रेड किए रहेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, बाई सेल, ऑर्डर स्टेटस, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड आप जो खरीदेंगे उसकी यहाँ पर डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा और यहाँ पर आप अपना लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप एंजल ब्रोकिंग में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।